तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के देही इलाकों और मंडलों के आवाम के लिए फारूक हुसैन एमएलसी ने हैदराबाद और सिद्दीपेट के अपने रुफका के ताउन से 26 मईतों के लिए फ्रीजर की तकसीम अमल में लाई और 1000 मुतवफीन के लिए कफन का कपड़ा जमा किया। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने मुख्तलिफ मंडलों के लिए अतिया देने वालों को तहनियत पेश की। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने एमएलसी फारूक हुसैन के फलाही कामों की सताइश की। हरीश राव ने कहा कि सिद्दीपेट और फारूक हुसैन को इख्तराई कामों का एजाज हासिल है। फारूक हुसैन ने बताया कि देही इलाकों के अवाम की मौत के बाद उनकी तदफीन और आखिरी रसूमात एहतराम के साथ अदा की जा सके, इसके लिए कोशिश की गई। शानजीर पर तशरीफ फरमा दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, प्रेस रिपोर्टर्स, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि हैदराबाद से, करीमनगर से, वरंगल से, निजामाबाद से, सारे जहां से, सारे जगह से आप लोग यहां पर आकर अपना वक्त दिए हैं। और साथ ही साथ जो डोनर्स यानी कि इब्राहिम सलीम साहब सबसे पहले सिद्दीपेट में फ्रीजर दिए थे, तो मैं दुबा कलेक्शन में फिर रहा था तो फखरुद्दीन साहब एक जमींदार ने कहा था कि भाई अगर बिरदोड़ी में अगर एक फ्रीजर आप दे दिए, मैं पढ़ता हूँ हमारे अगर 1000 रुपये का इंतकाल हुआ तो 11000 रुपये खर्च हुए हैं, लिहाजा अगर एक फ्रीजर आप बिरदोड़ी में रख दिए तो एक फ्रीजर के जरिए हमारे जो 11000-10000 बच जाएंगे, तो ये सोच मैं हरीश राव साहब के जहन में लगेगा। तो उन्होंने इजाज़त दी। बाबू जाबरी साहब जानते हैं आप, मदीना होटल के ओनर, उनके लड़कों के बाद उनके इंतकाल के बाद वो मरहूम के नाम पर 5 लाख रुपए डोनेशन दिए हैं, तो उसके बाद 3.5 लाख रुपए सिटीबेट में लगाए, तो 1.5 लाख रुपए दुपाक में मिर्जोड़ी में दौदाबाद में, तो वहाँ देने के बाद मुसलमान भाइयों को हिंदू भाई भी ये कहने लगे कि फारूक हुसैन साहब आप यहाँ MLA कार्डेस किए थे, लिहाजा हिंदू भाइयों को भी देना चाहिए। तो मैं सबसे पहले हमारे तिब्बत गौर साहब से ये हमारे सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने कहा कि यस, एक नहीं दो दूंगा, हर आदमी दो दो देने आपके लिए तैयार हो गए। इहसान अली के हमारे असद पाशा साहब भी और हमारे साजिद भाई भी, काशी राधे भी, हमारे सुरेश भाई भी, बहुत सारे लोग, महब अली भी है, कलीम भाई भी है, साजिद भाई भी है, और हमारे बहुत सारे लोग, शेख अहमद साहब तो 5 दिए हैं उनके भाइयों की तरफ से, उनके वाली मरहूम वाली की तरफ से शेख अहमद साहब दिए हैं, उनके भाई असर अब्दुल पाशा साहब की तरफ से 1 दिए हैं, तो इसी तरह से 26 फ्रीजर आज सिद्दीपेट आ चुके हैं। तो इसको बनाने के लिए हमारे साजिद भाई कहाँ हैं, साजिद को जिम्मेदारी दिया था, तो हमारे मैन्युफैक्चरर सोहेल साहब मैन्युफैक्चरर है, कम दाम में बाहर 75000 में बिकता, हम जो मेहनत करते वही देवल के हमारे सोहेल साहब ने भी जिम्मेदारी लेके, सोहेल साहब भी और इसकी जिम्मेदारी खाजा भाई को भी देकर ये सारे चीज़ें यहाँ तक पहुँचाई जा चुकी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग, मेरे क्लासमेट करोड़पतियाँ हैं, मैं चाहता हूँ कि सिद्दीपेट को मत भूलिए, आप लोग सिद्दीपेट से ही तालीम हासिल कर आज हमारे डॉक्टर कमल साहब है ग्रुप वन में 3 एकड़ का फार्म हाउस बना लिए, करोड़ों की जायदाद हो गई, तो लिहाजा उसमें से कुछ ना कुछ निकाल कर सिद्दीपेट के गुरबा के लिए अदराज में, जिलों में, अजरा में, गजवेल में, दुबाग में, सिटीपेट में, चेरियान में, हुक्माबाद में, हर जगह ये फ्रीजर पहुंचेंगे, जहां हरीश राव साहब कहेंगे वहां पर ये फ्रीजर्स पहुंचेंगे। इसलिए कि जरूरी है कि जब बच्चे उनके दुबई, सऊदी, अमेरिका, लंदन, ये ऑस्ट्रेलिया जहां कहीं भी है, माँ बाप के दीदार करने के लिए, बहन भाई के दीदार करने के लिए, बीवी शोहर के दीदार करने के लिए, शोहर बीवी का दीदार करने के लिए जरूरी है आने के लिए, तो ये 2-3 रोज का जो सजात हो रहे हैं, 11000 ये बच जाएंगे,
तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़कर जिस तरह से दो दिए हैं, हमारे हौस रहदीन साहब भी है, इब्राहिम भाई भी है, और अल्लाह के मदद से रदीफ भाई भी यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आबिद भाई मकदूम ब्रदर भी मौजूद है, हमारे उनके सदी साहब वही भाई भी मौजूद है, ऐसा कर फ्यूचर एक्टिविटीज में अगर आकर आए तो बहुत अच्छा है गरीबों के लिए। और खासकर सहायता ट्रस्ट वालों से मैं गुजारिश करता हूँ कि हरीशाव गारु की सहायता ट्रस्ट वालु ఏడు వందల కఫన్ ఏదైతే 1,000 రూపాయలకు అయితుందో 7 లక్షల రూపాయల మా పేరు చెప్పొద్దు ఏం చెప్పొద్దు అని చెప్పి 7 లక్షల రూపాయల మెటీరియల్ తీసుకొచ్చి ఆటో బయట నిలబడ్డది. ఇంకో వ్యక్తి కూడా 1,50,000 రూపాయలు మెటీరియల్ ఇచ్చి నా పేరు చెప్పొద్దు నాకు కలపొద్దు హరీశా గారు కంతే కలుపు గారి నాకు నేను ఇచ్చినట్టు చెప్పొద్దు అని చెప్పి వారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇటువంటి దాతలకు కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తా ఉన్నాను. डिबेट हमारे कालीन मेहमान भाई उपाल श्रीनिवास गारु सत्यनारायण गारु कनकय गारु असद पाशा गारु साजिद अली गारु नजीर उद्दीन गारु अहमद अयाज गारु कलीम भाई इम्तियाज अली साहब हमीद अली साहब जकीर उद्दीन साहब मकबूल खान साहब सिद्दीक हुसैन साहब काजा मोईज अलूम साहब कमालुद्दीन भाई मुजामिल अब्बास फक्रुद्दीन साहब इब्राहिम सलीम काजा मियां वहीद कुरेशी मोहम्मद अफजल पाशा आसिफ अब्दुल अजीज शेख नवीद मुकरम सईद जावेद अहमद तमाम बुजुर्गों भाइयों बहनों आप सबको सलाम अलैकुम अंदर की नमस्कार. చాలా మంచి కార్యక్రమాన్ని మా పెద్దలు ఫారూక్ హుస్సేన్ గారు తీసుకున్నారు. నా దృష్టిలో ఇంతకంటే పుణ్యం కార్యక్రమం అయితే ఏం లేదు. కామా బోధ్ కర్తే రహతే లేకిన్ తోడే కామా గరీబ్ లోగోం కు జబ్ దుఃఖ్ మే హై జబ్ వో సమయ మే జో కామ్ కామ్ మే ఆయేగా వో కామ్ కా బహుత్ మషూర్ రహతా హై. కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఏదైతే ఉపయోగపడుతుందో అప్పుడు ఆ పనికి ఎక్కువ గౌరవం ఉంటుంది, ఎక్కువ గుర్తింపు ఉంటుంది. సరే ఇలా ఎంతో మంది దాతలు రోడ్లు వేస్తున్నారు, బిల్డింగ్లు కొడుతున్నారు, స్కూళ్లు కట్టిస్తున్నారు, లేదా పుస్తకాలు ఇస్తున్నారు. అరే మరి కౌన్సిలర్స్ అదేవిధంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. అయితే ఇందులో ఈ పని చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పని. ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తే ఏమైందంటే ప్రతి ఇంటి నుంచి కూడా విదేశాల్లో ఉంటున్నారు. కొయి అమెరికా మే హే, కొయి దుబాయ్ మే హే, కొయి లండన్ మే హే, కొయి ఆస్ట్రేలియా మే హే, దూర్ దూర్ జగం మే రహరా. ఈవెన్ ఇండియా మే భీ కొయి లండన్, కొయి దిల్లీ మే హే, కొయి బొంబాయి మే హే, యా చారో బేటే హే తో ఏక్ బేటా ఏక్ దేశ్ మే హే, ఏక్ బేటా దూసరా జగా మే హే, దో లోగ్ యా హే, ఛోటా బేటే ఆనా.